नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर दरोगा जी पर फायर करने वालों को पुलिस ने ढेर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से, जहां पर जानकारी मिली कि दयामपुर इलाके में पुलिस ने लगातार इस घटना को अंजाम दिया। बदमाश विनय को ढेर किया, वह 25,000 का इनामी था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, तकरीबन 8 से ज्यादा उस पर केस चल रहे हैं, पुलिस मुकदमे में दर्ज है। जबकि उसका साथी नरेश पकड़ गया, नरेश को खंकरगेड़ा थाने लाया गया, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो तमंचा भी बरामद कर लिया है, जिसने बताया जा रहा है कि दरोगा जी पर फायर किया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को मुखबिरी से कुछ बदमाशों के ककरखेड़ा क्षेत्र में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम के साथ पहुंचकर दबिश मारी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन विनय ने पुलिस पर ही बताया जा रहा है कि क्रॉस फायर किया, इसके चलते उन्हें ढेर किया। ये मामला सामने रहा है, फिलहाल पुलिस प्रशासन मौजूदगी में रहा। 23 जनवरी की रात बुलंदशहर के खुर्जा निवासी मोहर सिंह किराए पर सोनू सैनी की सेंट्रो कार से शादी समारोह में आए थे। इस दौरान सोनी गाड़ी में था तो आरोपियों ने फायर कर दिया। ये मामला है, इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।